तो आज अब प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 3 से शुरू करते हैं, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 3 में है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं व्रजगुणन विधियों से हल कीजिए, ठीक ना। तो एक समीकरण युग्म दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3 में देखिए समीकरण लिखा, 8x+5y बराबर 9 और 3x+2y बराबर 4, ठीक ना। ये समीकरण दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। तो इसको पहले समीकरण 1 डालेंगे और इसको समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर 8x+5y बराबर 9। इसमें y को पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक ना। करने के लिए x इसको भी पक्षांतर कर सकते हैं, तो लिखेंगे 8x=9-5y, ठीक ना। और इस 8 को नीचे पक्षांतर कर देते हैं, तो जगह x बराबर 9-5y बटे 8। तो इस प्रकार ये समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो दूसरा समीकरण यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 3x+2y बराबर 4 और x के स्थान पर इसको पूरा लिख देंगे, तो लिखते हैं देखिए 3 और x के स्थान पर 9-5y बटे 8 प्लस ये 2y है, 2y बराबर 4। देखिए 8 और 3 तो कटना नहीं है, इस 3 का इन दोनों पदों में गुणा हो जाएगा। 9 3 27 -5 15 बटे 8 +2y बराबर 4। अब देखिए इसका 8 का लघुत्तम ले लेंगे, तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसका सीधे तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 27-15y प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 दूनी 16y और ये पूरे के बटे 8 बराबर 4, ठीक ना। इसको हल हो जाएगा, 16 में से 15 गया तो 1 आएगा, तो लिखेंगे 27+y बटे 8 बराबर 4। तो अब तिरे गुणा कर लेंगे, ठीक ना। तो ये आएगा 27+y बराबर 8 चौक 32, इस प्रकार y बराबर 32-27, ठीक ना। 27 पक्षांतर कर लिया तो ये हो गया 27 और 32, तो ये हो गया 5, ठीक ना। तो इस प्रकार ये आ गया y का मान। इस y के मान को, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना। तो ये रहा पहला तीसरा समीकरण, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, x बराबर 9-5 गुणे y के मान 5 रख देंगे यहाँ पर, ठीक ना। ये समीकरण था, इसमें y के स्थान पर 5 रख दिया, तो ये हो गया 9-5 बचे 25 बटे 8। तो 9 में 25 गया, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रहा है तो माइनस आ गया, और घटेगा 25 में ही 9, तो 25 में 5 20, फिर 4 घटेगा तो 16 हो जाएगा बटे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इस प्रकार x बराबर -2 आया। तो देखिए अतः x बराबर -2 एवं y बराबर 5, तो इन समीकरण के हल ज्ञात हो गए। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया, अब व्रजगुणन विधि से हल करेंगे। अब देखिए इसी समीकरण को व्रजगुणन विधि से हल करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं व्रजगुणन विधि, ठीक ना। तो इसमें
देखिए व्रज गुणन विधि में ये जो अचर पद C1 और C2 है उसको भी बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे और यहाँ बराबर 0 लिख लेंगे, ठीक ना। तो इसको लिखते हैं 8x + 5y - 9 = 0, फिर 3x + 2y - 4 = 0, ठीक ना। तो इसको भी बाईं तरफ पक्षांतर कर लिया। अब लगाते हैं इसमें, देखिए यक्स को लिखा तो यक्स बटे, तो अगर यक्स को ले रहे हैं तो पहले यक्स के सभी को छोड़ देंगे, इसको इसके आगे देखिए तो ये रखा है 5, 5 का तिरछा गुणा करेंगे, ठीक ना। तो 5 × -4, ठीक, फिर ये माइनस सूत्र में होता है, फिर इसका गुणा इसमें कर लिया। अब इसके नीचे आ जाएंगे तो 2 का गुणा -9 में करेंगे, तो 2 का गुणा -9 में बराबर, अब वाई को देखते हैं, अब ये y को ले रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, इसके आगे चलेंगे तो ये -9 आया, -9 का आगे गुणा करने के लिए कुछ नहीं है तो इसको वापस यहाँ से गुणा करेंगे, तो -9 का गुणा -3 में करेंगे, -9 गुणा 3 में कर दिया, फिर इसका गुणा इस पे हो गया। अब इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे तो -4 का गुणा 8 में करेंगे, तो लिखते हैं -4 का गुणा 8 में कर लिए, ठीक ना, इस -4 गुणा 8 में कर लिया। अब अचर पद के लिए 1 लिखेंगे, अब देखिए इसके लिए लिख रहे हैं तो इसके आगे, अब इसको छोड़ देते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं मगर आगे कुछ है नहीं तो इसको वापस लौट जाएंगे यहाँ पर, ठीक ना। इसको लिख रहे हैं अचर पद वाले पद के लिए 1 लिखा है तो इसको छोड़ देंगे, इसको यहाँ से देखेंगे। अब 8 × 2 में करिए, 8 × 2 माइनस सूत्र में है, फिर इसके नीचे आ जाइए तो 3 का गुणा 5 में करते हैं, तो 3 का गुणा 5 में कर लिया। अब इसको हल करते हैं, देखिए यक्स बटे, देखिए 5 चौक 20 और 1 माइनस होने के कारण -20 लिख दिया, फिर 9 दूनी 18 और 2 माइनस मिलकर प्लस हो गया बराबर, फिर इसको देखिए वाई बटे 9 3 27 और 1 माइनस है तो -27, फिर 8 चौक 32 और 2 माइनस है ये, ठीक ना, इनमें 2 माइनस है तो +32 बराबर 1/8 × 16 -3 5 15। अब देखिए इसमें यक्स बराबर यक्स बटे, देखिए -20 + 18 तो लिखेंगे 18 × 2 = 20, तो -2 आया है ना। एक माइनस प्लस लिखा हो तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या माइनस चिन्ह होने के कारण माइनस लगाया बराबर y बटे, फिर इसमें भी यही करेंगे तो 32 में 27 को घटा देंगे तो ये आ गया 5 और बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस हो गया बराबर 1/16 में 15 गया तो 1। एक बार इसको इसके संग लेंगे और एक बार इसको इसके संग लेंगे तो देखिए x बटे -2 बराबर 1/1 और y बटे 5 बराबर 1/1, तो इससे आ जाएगा x बराबर -2 और इससे आ जाएगा y बराबर 5। तो इस प्रकार इस समीकरण को हमने प्रतिस्थापन विधि एवं वर्ज गुणन विधि से भी किया तो देखिए आंसर सेम आया, ठीक ना, x का मान -2 और y का मान 5, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 4 में कुल 5 सवाल हैं, तो इसमें देखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक ना। किसी भी बीजगणित विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि से, या विलोपन विधि से, या वज्र गुणन विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में पहला क्या लिखा हुआ है, ये पहला देखिए लिखा एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक ना, एक हॉस्टल है जिसका मंथली जो खर्चा है वो एक फिक्स है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ₹1,000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए ₹1,180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखिए जैसा हॉस्टल का क्या होता है,
एक खाने वाले में क्या रियायत होती है कि आप जितना दिन खाना खाएंगे बस उसी उतना ही दिन का पैसा लगेगा, ठीक ना। मगर जो कमरे का रूम का रेंट जो होता है वो आपको पूरा देना पड़ता है हर महीने का, ठीक ना। तो उसको बोला है कि वो नियत व्यय है, ठीक ना। जो रहने का कमरे का किराया है वो नियत व्यय है, मगर आप जितना दिन खाएंगे बस उतना ही उसका पैसा देना होगा, ठीक ना। तो इसमें लिख लेते हैं माना, माना ये जो नियत व्यय है ना उसको यक्ष मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना छात्रावास का नियत व्यय है ना, जो फिक्स चार्ज है उसको नियत व्यय यक्ष रुपया ले लेते हैं, ठीक ना। तो वो यक्ष रुपया लगेगा ही लगेगा। और इसमें लिखते हैं एवं लिखा है भोजन का मूल्य हो गया, या व्यय कुछ भी कहिए, ये वाई रुपया हो गया, ठीक ना। तो देखिए प्रश्नानुसार, ठीक ना, जैसे अगर देखिए एक विद्यार्थी ए ने 1,000 रुपये दिया है, किस बात का, ये 20 दिन भोजन किया है। देखिए आप अगर 20 दिन भोजन किए हैं, मगर आपको जैसे अगर नियत व्यय की बात करें तो आपको एक फिक्स जैसे 30 दिन का रूम रेंट होता है वो आपको तो पूरा देना पड़ेगा। तो मान लिया एक नियत व्यय, ठीक ना, वो नियत व्यय 100 रुपया तो इसको देना ही होगा, ठीक ना, चाहे 20 दिन खाना खाए, चाहे 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी खाए। मगर ये नियत व्यय अगर हॉस्टल में रह रहा है तो उसको इतना नियत व्यय फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर ये 20 दिन का भोजन किया है, अगर बोलें 1 दिन के भोजन का मूल वाई रुपया है, तो इस हिसाब से 20 दिन के भोजन का खर्च 20 वाई हो गया, ठीक ना। अगर इन दोनों को जोड़कर इसने 1,000 रुपया दिया है, इस प्रकार समीकरण एक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार एक विद्यार्थी बी है, वो 26 दिन भोजन किया है और इसने 1,180 रुपये दिया है। तो इसमें देखो ये बी विद्यार्थी जो है उसको भी एक नियत व्यय तो करना ही पड़ेगा, ठीक ना। और इसके बाद 26 दिन का खाना खाया है तो 26 वाई इतना रुपया भोजन पर खर्च हुआ होगा। इस प्रकार नियत और भोजन पर खर्च व्यय 1,180 रुपया हुआ इसका, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गया, इनको फिर हल करेंगे। तो देखिए इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो देखिए विलोपन विधि के लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, समीकरण एक में से समीकरण दो को अगर घटा दें, ठीक ना, तो इसको लिख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें गुणांक यक्ष के बराबर हैं, इसलिए कोई चीज़ का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखते हैं समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है, तो घटाने पर लिख लेते हैं। तो इसको लिखें यक्स प्लस 2 वाई बराबर 1,000 और यक्स प्लस 26 वाई बराबर 1,180। तो अब घटाएंगे तो लिखते हैं घटाने पर, तो बोले घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो यक्स में से यक्स कैंसिल हो गया और 20 में 26 जाएगा, ठीक ना, छोटे से बड़ा तो -6 वाई आएगा। इसी प्रकार 1,000 में 1,180 घट रहा है तो घटेगा तो 1,180 में ही, मगर छोटी से बड़ी संख्या घटने के कारण ये माइनस में आएगा और घटाएंगे तो 180 प्राप्त होगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर 180/6 पक्षांतर कर लेते हैं, 6 कम 6 त्रिक 18, तो ये आया वाई बराबर 23। अब इस वाई के मान को समीकरण एक में रख देंगे तो यक्स का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिख लेता हूं यहां पर, देखिए वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए पहला समीकरण ये लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं यक्स प्लस 20 वाई बराबर 1,000। तो y का मान 30 है, यहाँ 30 रख लेंगे तो x प्लस 20 × 30 बराबर 1,000, तो ये हो गया 3 × 2 = 6 और 00 बराबर 1,000। तो x का मान आ गया 1,000 माइनस 600, तो इस प्रकार ये आया 400। तो देखिए नियत व्यय 400 रुपया है और एक दिन के भोजन का खर्च कितना रहा है 30 रुपया। तो लिखेंगे अतः
नियत व्यय, नियत व्यय बराबर 400 रुपया एवं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य या व्यय, ठीक ना, ये कितना है 30 रुपया है, तो 30 रुपया हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 का आप दूसरा भाग देखते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में लिखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो लिखते हैं, माना भिन्न का अंश एक्स एवं भिन्न का हर वाई। तो इस प्रकार अभिष्ट भिन्न क्या प्राप्त हो गई, अभिष्ट भिन्न, देखो देखिए यक्ष भिन्न जो होता है यक्ष बटे वाई के रूप में होता है, ठीक ना, अंश बटे हर के रूप में होता है। तो देखिए पहली शर्त में क्या लिखा है, तो लिख लेते हैं, पहली शर्त के अनुसार इसमें लिखा है, पहले शर्त में जब उसके अंश से 1 घटाया जाए, तो अंश में 1 घटा देते हैं, हर में कुछ नहीं कहा है जोड़ने घटाने के लिए, उसको ऐसे लिख लेते हैं, तो ये हो गया 1/3 हो जाती है। तो इसका आप तिरिया गुणा कर लेते हैं, इसका इसका गुणा इन दोनों पदों में, तो ये जाएगा 3x माइनस 3 × 3 बराबर y × y, इसको बाईं तरफ और इसको दाईं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये इधर जाएगा तो माइनस वाई और ये इधर जाएगा तो +3, तो समीकरण 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, तो देखिए दूसरी शर्त में क्या लिखा है, ये अब वो 1/4 हो जाएगी, कब, जब हर में 8 जोड़ा जाए, तो अंश में कुछ नहीं जोड़ना घटाना है, हर में ही केवल 8 जोड़ना है, तो 8 जोड़ दिया, तो ये आ गया कितना 1/4 प्राप्त हुआ। अब इसका तिरे गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x बराबर 1 गुणा करेंगे तो y प्लस 8 आया। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं y को, तो आया इस 4x माइनस y बराबर 8। इस प्रकार समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ पर तो मिलेगा 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण 1। इसी प्रकार ये है 4x माइनस y बराबर 8, ये समीकरण 2 है। अगर इसमें हम घटा दें समीकरण 1 में से 2 को, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये y कट जाएगा, ठीक ना। तो लिखते हैं घटाने पर, तो घटाने पर प्राप्त होगा, तो चिन्ह बदल लेते हैं, पहले ये माइनस का प्लस और ये माइनस हो गया, इस प्रकार माइनस वाई में प्लस वाई, तो ये कैंसिल हो गया और 3 में 4 गया, ठीक ना, छोटे से बड़ा गया तो माइनस एक्स बराबर 3 में से 8 गया, तो ठीक ना, फिर ये माइनस है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो -5 और ये एक्स एक्स कैंसिल और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार एक्स का मान 5 प्राप्त हुआ। अब देखिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे, तो देखिए ये रहा समीकरण 1, लिखते हैं यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान यहाँ 5 रख देंगे, तो 3 × 5 माइनस वाई बराबर 3, देखिए 3 × 5 = 15 माइनस वाई बराबर 3, तो ये हो गया माइनस वाई बराबर 3 और इसको पक्षांतर कर देंगे तो -15, इस प्रकार 15 में 3 गया तो -12, ठीक ना, तो ये आया y बराबर 12 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार अतः अभिष्ट भिन्न क्या प्राप्त हुई, अभिष्ट भिन्न, ठीक ना, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x बटे y माने थे, तो x का मान कितना आया 5 और y का मान 12, इस प्रकार 5/12 अभिष्ट भिन्न प्राप्त हुई,
ठीक ना। तो भाग दूसरा हो गया, आप तीसरा भाग देखेंगे। तो देखिए तीसरा भाग में लिखा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। ठीक ना, मतलब अगर ये प्रश्न में सही उत्तर करने के लिए इसको 3 अंक मिल रहा है, और एक अगर गलत क्वेश्चन कर रहा है, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक ना, माइनस मार्किंग वाले एग्जाम है। तो एक सही उत्तर करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक ना, तो इस हिसाब से इसको 40 अंक प्राप्त हुए। अब देखिए दूसरी बार है, यदि उसे सही उत्तर पर अगर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो इसमें लिखते हैं, माना गलत, या पहले सही कर लेते हैं, लिखे माना सही उत्तरों की संख्या ये कितनी हो गई x, है ना। उसने मतलब मान लिया कुल x उत्तर सही दिए, ठीक ना, एवं गलत उत्तरों की संख्या इसको y मान लेते हैं। ठीक ना, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रश्नानुसार। अब देखिए इसमें लिखा है, अगर वो सही उत्तर देता तो मतलब मान लिया मान कितने सही उत्तर कितने यक्ष उत्तर इसने सही दिए हैं, इस प्रकार पहले कंडीशन के हिसाब से उसको 3 अंक के हिसाब से 3 यक्ष मिले होंगे। ठीक ना, तो एक 3 यक्ष अंक मिले, मगर अगर गलत उत्तर उसने गलत उत्तर भी दिए हैं उसके कारण उसको 1 अंक की कटौती भी है, तो माइनस और एक ही एक माइनस हो रहा है, तो गलत उत्तरों की संख्या वाई है, तो 1 × y बराबर कुल कितना अंक प्राप्त किया, ये 40 अंक प्राप्त किया। ठीक ना, तो ये 1 लिखने की अब जरूरत नहीं है। इसी प्रकार देखिए अगली बार इसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है और इसने कुल सही उत्तर x किया, तो इस प्रकार ये 4x प्राप्त हो गया। फिर इसमें कटेंगे कितने, अगर अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो ये हो गया -2y, ये माइनस होगा। ठीक ना, गलत उत्तर के लिए कट रहा है ये, तो इस प्रकार इसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, ये 50 अंक प्राप्त किए। इस प्रकार ये 2 समीकरण प्राप्त हो गया। तो समीकरण देखिए, अब इन दोनों के गुणांक को बराबर करना है, तो अगर x के गुणांक को बराबर करना चाहें तो 4 गुणा यहाँ करेंगे और 3 का गुणा यहाँ करेंगे। ठीक ना, और अगर y के गुणांक को बराबर करना चाहें तो यहाँ केवल 2 का गुणा कर दें तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये देखिए गुणांक बराबर हो गया। ठीक ना, तो हम समीकरण इसी को कर लेते हैं, x के ही गुणांक को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ 4 गुणा करेंगे और यहाँ 3 है तो 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 में 4 से एवं समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक ना, तो 4 × 3 = 12x -4y और ये 160, है ना, 40 × 160 समीकरण 3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इसमें 3 गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12, 2 × 3 = 6 और 50 × 150। ठीक ना, तो इस प्रकार समीकरण ये 4 प्राप्त हो गया। अब पहले तीसरे में से चौथे को घटा देते हैं, तो लिखते हैं घटाने पर, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो गया, इस प्रकार ये कट गया। और -4 + 6, है ना, -4 + 6 बराबर 6 × 4 = 2, अब बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस, तो इस प्रकार ये 2y प्राप्त हुआ और 160 में 150 जाएगा तो 10 हो गया। इस प्रकार y का मान आ गया 10/2, 2 × 1 = 2 × 5 = 10, तो ये हो गया y बराबर 5। इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए ये रहा समीकरण 1,
यहाँ लिख देते हैं 3x - y = 40। तो x का मान ज्ञात हो जाता है, y का मान कितना है 5, और 5 - 5 पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया 45 + 5, तो ये हो गया 3x = 45 + 5, ये सॉरी 45 है ये, ठीक ना, तो 40 + 5 = 45 हो जाएगा, ये 45, तो x बराबर 45/3, 3 1 कम, और ये 15 बार में कट जाएगा, तो x का मान 15 आया। तो देखिए इसने कुल सही उत्तर कितने दिए हैं 15, और गलत उत्तर कितने दिए हैं 5, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या क्या ज्ञात करना था, इसमें लिखा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, ठीक ना। तो देखिए कुल प्रश्न कितने हो गए, अगर सही उत्तर दिया इसने 15 और गलत उत्तर दिया इसने 5, तो कुल कितने प्रश्न थे, 15 + 5 = 20 प्रश्न थे। तो लिखेंगे, अतः पहले सबको लिख लेते हैं, सही उत्तरों की संख्या, उत्तरों की संख्या बराबर x कितना है 15 एवं गलत उत्तरों की संख्या 5 और कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्न कितने हो गए 15 + 5 = 20 हो गए, ठीक है। इसको यहाँ 15 + 5 करके लिख लेते हैं, 15 + 5 बराबर ये 20 प्रश्न थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न तीसरा भाग हो गया। देखिए अब प्रश्न नंबर चौथे का पांचवा भाग देखते हैं। देखिए लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई, ठीक ना, आयत की लंबाई तो यक्ष मान लेते हैं, एवं आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना ले लें वाई। तो इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना, तो ये हो गया यक्स वाई, है ना, यक्स गुणे वाई। तो इस प्रकार अगर लंबाई यक्स और वाई चौड़ाई वाई है तो आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई प्राप्त होता है, ठीक ना। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, तो देखिए लंबाई यक्स है, इसे 5 इकाई कम कर दें तो ये हो जाएगा यक्स -5, है ना, कम कर दिया इसको, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें तो चौड़ाई 3 इकाई देखिए प्लस कर दिया तो बढ़ गया। अब ये नया लंबाई और नया चौड़ाई इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक नया क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। ये 5 इकाई कम कर दिया तो एक नया लंबाई प्राप्त हो गया, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया तो नया चौड़ाई प्राप्त हो गया, इस लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया तो देखिए क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। और ये क्या बोल रहा है कि जो पहले क्षेत्रफल ये जो प्राप्त हुआ था एक्स वाई, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है तो इसको कम कर दिया, ठीक ना। तो इसको हल कर लेते हैं, अब देखिए कम हो गया तो कम माइनस कर लिया 9, ठीक ना। अब 2 कोष्टक कैसे खुलता है, इसका पहले इसको पहले यहाँ लिखते हैं और इस कोष्टक को पूरा लिखते हैं, फिर -5 लिखते हैं और इस कोष्टक को पूरा लिखते हैं, एक्स वाई -9। अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो जगह एक्स वाई, फिर एक्स गुणा 3 में तो 3x, ये हो गया -5y और 5 × 15 तो -15 एक्स वाई -9। देखिए एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई उधर भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो बच गया उसको लिखते हैं। देखिए 3x - 5y = -9 और -15 को पक्षांतर कर देंगे तो +15 आ गया।
तो इस प्रकार 3x माइनस 5y बराबर 15 में 9 गया तो 6, इस प्रकार समीकरण एक प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये पहला समीकरण। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है। देखिए इस बार दोनों बढ़ाया गया है, लंबाई को 3 इकाई, ठीक ना। तो ये पहली शर्त हो गया, यहाँ लिख सकते हैं पहली शर्त के अनुसार, ठीक ना। अब लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरी शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार। तो देखिए दूसरी शर्त क्या है, बोला है लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, दोनों बढ़ाया गया है। तो लंबाई 3 इकाई बढ़ा दिए और चौड़ाई भी 2 इकाई बढ़ा दिया, तो जो नया लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हुआ इसका गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आया। तो क्षेत्रफल क्या है, नया जो पुराना क्षेत्रफल एक्स वाई था वो 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, तो हमने प्लस कर लिया 67। अब इसको हल करते हैं। देखिए गुणा कैसे, इन दोनों का दो कोष्टक का कैसे खुलेगा, इसका गुणा इन दोनों में करते हैं। पहले देखिए ये किया हुआ है, तो देखिए यक्स का गुणा वाई में करेंगे तो आएगा यक्स वाई, फिर यक्स गुणा टू में करेंगे तो प्लस टू एक्स, और फिर अब इसका 3 का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे, ठीक है। पहले यक्स का गुणा इन दोनों पदों में कर लिया, अब 3 का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे तो यक्स 3 का वाई में करेंगे तो 3y प्लस 3 दूनी 6 आया, और ये जो आया उसको यहाँ लिख लेते हैं यक्स वाई प्लस 67। तो देखिए यक्स वाई कैंसिल हो गया और ये बच गया 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, पक्षांतर कर दिया। तो इस प्रकार 2x प्लस 3y बराबर ये आया 61, समीकरण दो प्राप्त हुआ, ठीक ना। इन दोनों समीकरण को लेकर हम इसमें विलोपन विधि का हल करेंगे, विलोपन विधि से लगा लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं दोनों समीकरण को, 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण एक। इसी प्रकार ये आया 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण दो, ठीक ना। अब इसमें देखिए यक्स के गुणांक को ही बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ 2 है तो समीकरण एक में 2 गुणा करेंगे, और यहाँ 3 है तो समीकरण 3 में गुणा करेंगे, 2 में 3 का गुणा करेंगे। तो इसको लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में 2 से एवं समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक ना। तो गुणा करते हैं, देखिए 2 का तीनों पदों में हो जाएगा तो हो जाएगा 3 दुनी 6x 5 दुनी 10y और 6 दुनी 12, तो समीकरण 3 प्राप्त हो गया। फिर 3 दुनी 6, 3 त्रिकाई 9 और 61 में तो 3 एकम 3 और 6 त्रिक 18, तो ये समीकरण 4 प्राप्त हो गया। अब इसको घटा देंगे तो ये x वाला पद खत्म हो जाएगा, तो लिखते हैं घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 10 और 9 दोनों माइनस माइनस में है तो माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा बराबर। अब इस 183 में 12 घटाएंगे तो छोटे से बड़ा घटाएंगे तो माइनस आ गया। अब देखिए 3 में 2 गया 1, और फिर 8 में 1 गया 7, और 1 ये रहा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। वाई बराबर 171 बटे 19, ये 19 का पौड़ा में ये 9 बार में कट जाएगा, तो ये रहा वाई का मान 9, ठीक ना। अब वाई का मान समीकरण एक में रख देंगे तो लिखते हैं वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रख लेते हैं तो ये रहा समीकरण एक, तो लिखें 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5 गुणे 9 बराबर 6, 3x 9 पचे 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 प्लस 45, है ना, पक्षांतर कर दिया। तो इस प्रकार ये आया 6 5 11 मतलब 51, तो यक्स का मान आ जाएगा 51 बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सते 21, तो इस प्रकार यक्स का मान 17 प्राप्त हुआ।
ठीक ना। तो देखिए इसमें लंबाई या चौड़ाई ज्ञात हो गई, तो इसको लिख लेते हैं अतः। देखिए जो माना रहता है इसी को ज्ञात करना होता है। तो देखिए माना था, इसके नीचे यहां लिखेंगे अतः आयत की लंबाई यक्स कितनी माने हैं 17, तो ये हो गया बराबर 17। देखिए इकाई देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, इकाई कुछ नहीं दिया है तो लिख लेते हैं 17 इकाई, ठीक ना। मीटर में लिखता तो मीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में लिख लिए होते। और आयत की चौड़ाई कितनी है, तो वाई कितनी आया 9, तो लिख लेते हैं 9 इकाई, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 3.5 समाप्त होती है।